नमस्कार, मैं हूं यास्मीन। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत को जब से मोदी सरकार ने वाई प्लस श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की है, तभी से ये बात न सिर्फ कुछ लोगों को बल्कि कई बॉलीवुड स्टार्स के गले से नहीं उतर रही। वहीं कंगना को इतनी हाई लेवल की सिक्योरिटी मिलने पर अब स्वरा भास्कर को भी मिर्ची लग गई है। ये वही स्वरा भास्कर है जिन्हें कुछ दिनों पहले कंगना ने बी ग्रेड एक्ट्रेस बता दिया था। इस बात को सुनकर स्वरा भास्कर इस कदर बौखलाई हुई है कि वो बार बार कंगना पर निशाना साधती नजर आती है। अब उन्हें कंगना को मिली वाई प्लस सिक्योरिटी से प्रॉब्लम हो रही है। दरअसल हाल ही में सोशल मीडिया पर एक यूजर ने ट्वीट करते हुए लिखा था कि अगर कोई एक्ट्रेस है जिसे वाई श्रेणी सुरक्षा दी जानी चाहिए तो वो स्वरा भास्कर है। स्वरा को सोशल मीडिया पर नियमित रूप से भद्दी और घिनौनी धमकियां दी जाती है। वहीं अब इस यूजर का जवाब देते हुए स्वरा ने कंगना को मिली वाई प्लस सिक्योरिटी पर तंज कस दिया है। स्वरा लिखती है, शुक्रिया, लेकिन मैं चाहूंगी कि करदाताओं का पैसा विकास और कुपोषण जैसे जरूरी मुद्दों पर खर्च होना चाहिए। अब स्वरा के ट्वीट से तो ऐसा ही लग रहा है कि उन्हें कंगना को मिली सुरक्षा से काफी जलन हो रही है। तभी तो उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए इसे दुनिया के सामने बयां भी कर दिया। बता दें कि स्वरा के अलावा बॉलीवुड एक्ट्रेस कुब्रा सेठ ने भी कंगना को मिली सुरक्षा पर सवाल उठाए। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, बस चेक कर रही हूँ, क्या ये सब मेरे द्वारा दिए गए टैक्स के पैसे से हो रहा है। बताते चले कि पिछले कई दिनों से कंगना रनौत और शिवसेना सांसद संजय राउत के बीच जुबानी जंग देखने को मिल रही है। कंगना ने महाराष्ट्र सरकार पर निशाना साधते हुए मुंबई की तुलना पीओके से कर दी थी, जिसके बाद से ही महाराष्ट्र सरकार बौखलाई हुई है और कंगना को परेशान करने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपना रही है। वहीं कंगना भी सोशल मीडिया के जरिए महाराष्ट्र सरकार को लताड़ लगा रही है। फिलहाल तो आप हमें कमेंट करके ये बताएं कि स्वरा भास्कर के इस ट्वीट पर आपका क्या कहना है।